पंजाब च लुटेरे बेखौफ दिखाई दे रहे ने। पंजाब लुटा खोहां दा गढ़ बनता जा रहा है। पंजाब दा तां हुण रब ही राखा दिखाई दे रहा है। यह असी नहीं कह रहे, इस दी गवाही भरदियां ने, इस नूं बयान करदियां ने यह होश उड़ा देण वालियां तस्वीरां। स्क्रीन ते तुसीं देख सकते हो कि किवें चिट्टे दिनी यह लुटेरे, यह डाकू एक महिला नूं अपना निशाना बनाउंदे होए दिखाई दे रहे ने। तुसी ये भी देख सकते हो कि किवें इस बजुर्ग महिला ने हिम्मत दिखाई, किवें लुटेरियां दे सामने डटी खड़ी दिखाई दित्ती ते जिवें लुटेरियां नूं कहिंदी दिखाई दे रही है जो मर्जी हो जावे अज नहीं तुहानूं जान दिंदे। उधर जेकर गल खाकी साहिब बहादुरां दी कीती जावे तां ना पाके ये जनाब हिम्मत करदे कोई दिखाई दे रहे ने, ना ही इन्हां लुटेरियां नूं खाकी दा कोई खौफ दिखाई दे रहा है। तां ही तां दिन दिहाड़े गलियां च घूमदे यह लुटेरे रस्ते च जांदे लोकां नूं अपना निशाना बना रहे ने। मैनूं तां लगदा नहीं वी खन्ने दे विच कोई पुलिस नां दी चीज़ है, ना सरकार नां दी चीज़ है। हर नए दिन हर रोज़ अणगिनत चोरियां डाके हो रहे ने। इस तरह लगता भी तुसीं पंजाब दे विच ना बहुत जरूरी आ, जिहड़े लोकी बाहर जा रहे ने इन्हां घटनावां नूं ही देख के लोकी बाहर जा रहे ने, क्योंकि लोकां दी जान दी माल दी किसे तरह की कोई भी ध्यान नहीं। सानूं दुख प्रशासन ते हो रहा कि किसे तरह के बंदे की कोई जिम्मेवारी नहीं है। जी हाँ, वाकई यह घटना होश उड़ा देने वाली है। यह घटना सामने आई है खन्ना दे गुलमोहर नगर तो। मोटरसाइकिल सवार यह लुटेरे चंद मिनटां दे विच एक महिला दी सोने दी चैन झपट के मौके तो फरार हो गए ते लुट दी है पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे दे विच कैद हो गई। यह सब नूं लैके पीड़ित महिला मनप्रीत ने दस्या कि वह ड्यूटी तो घर परती सी। जदों ही वह घर दे अंदर बढ़न लगी तो एक लुटेरा उसकी सोने की चैन झपट के मौके तो फरार हो गया। पीड़ित के परिवार ने दसिया कि उन्हां नाल यह पहली बार नहीं होया, सगों पहला भी अजिही घटना वापर चुकी है। परिवार का कहना है कि शिकायत करन ते भी सानू कोई भी इंसाफ नहीं दिता जा रहा। मैं ना अपनी ड्यूटी तो आ रही थी फतेहगढ़ साहब तो, ते मेरे पीछे मैनू नहीं पता भी कौन लग गया। तो जो मैं घर अपने एक्टिवा तो उतर रही हाँ तो डिग्गी चो अपना पर्स कढ़न लगी तो दो बंदे आए तो मेरी चैन फड़ के लै गए, कट के लै गए सर। एकदम पिछे नूं मैनू खिंच लिया। शाम की गल है तकरीबन साढ़े पाँच बजे थी डी सी डिपार्टमेंट चढ़ साहब। इस तरह के बहुत, क्योंकि एक अजे एक महीना भी नहीं होया तो साडा मोटरसाइकिल भी चोरी हो चुका से, उहदे बारे अजे तक सानूं कुछ भी नहीं पता लग्या। दो जाने से सर मिनिमम 20-25 साल दे सीगे। बाइक ते सी, एक ते कैप पाई हुई सी सर। जिन्हां ने मेरी चैन कढ़ी उन्होंने मैं बैक तो मुड़ के देखे, मेरी एकदम गुत्त खिंच ली जो मैं बैक तो उन्होंने कैप पाई हुई सी। दो जने आए ने चैन खिंच के फरार हो गए। मैं बहुत ज़्यादा पिछे भज्जी हाँ तो वो चले गए ने, सारी गली बाहर निकली है। मेरी चीकां सुन सुन के मैं 3-4 घर छड्ड के भी बहुत दूर तक भज्जी हाँ भी साढ़े हाथ कुछ नहीं लगे। असं मंग ये करते भी सानू इंसाफ मिलना चाहिए। साडा पहला एक महीने के अंदर अंदर दो साढ़े नाल वारदातां हो गए। पहला मुंडे का बाहरों ही खड़ा मोटरसाइकिल लै गए, उस जगह के उत्तों हुण कुड़ी की चैन लै गए बेटी की। देश दुनिया की हर खबर से नज़र रखने लिए तुसी जुड़े रहो अपना पंजाब मीडिया के नाल। लॉगिन करो साड़ी वैबसाइट से अपना पंजाब मीडिया .com से। हुण तुसी USA एडिशन दे नाल नाल साडा कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अते पंजाब दा एडिशन भी पढ़ सकते हो। सबसक्राइब करो अपना पंजाब NRL।